फौजी बनना है तो भाई फिर तो देखो सुबह शाम दौड़ लगाओ, अपना एप्टीट्यूड रेडी रखो 6th से 12th क्लास का रिटन एग्जाम के लिए। पर अगर फौजी नहीं बनना, जिंदगी में मजे करने हैं, तो फिर बाप के 60,000 रुपए लेके आ जाओ मस्ती अकेडमी के लिए। नहीं 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 नहीं, DID ऑडिशन के लिए प्रिपरेशन नहीं चल रही है, YouTube आर्मी अकेडमी में ट्रेनिंग चल रही है बच्चों की, 10,000 रुपए महीना। यहाँ पे बच्चों के एडमिशन लेने के पीछे 2 में से 1 ही रीजन होता है, या तो सर का ऑनलाइन धूम धड़ाके वाला प्रमोशन, या फिर दूसरा स्कूल में तो कोई एजुकेशन एक्सपीरियंस मिला नहीं तो बेचारे यहीं पे ही आगे ले लेते हैं। और ये सर ट्रेनर कैसे भी हो पर यूट्यूबर एक नंबर के एल्गोरिथम के बादशाह हैं, इनको भी पता है कि थंबनेल में बाबा जैक्सन ने शकीरा ही व्यूज लाएगी। अब ये लड़की अपने लिए कभी मेडल लाए ना लाए पर सर के लिए डायमंड प्ले बटन जरूर ला के देगी। हाँ, ये बहुत जरूरी था एंड में, क्योंकि अपने निजी स्वार्थ के बाद देश, झंडा, भारत माता की जय जैसा कवर डालती है ना, वैसा कवर कोई और चीज डाल ही नहीं सकती। अब सर ने भारत माता की जय बोल दिया है तो भाई ये सारा नाच गाना देश के लिए था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सभी भाई तिरंगा कमेंट करेंगे, क्रिटिसिज्म किसी और दिन चलेगा। अब मैं आगे चलने से पहले लोगों को बता दूं, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी प्लीज देख लेना, तुम्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यूट्यूब कितनी अच्छी चीज है, खेल, समाचार, एंटरटेनमेंट सब एक ही जगह, पर 2022 आते आते यहाँ पे ऑनलाइन आर्मी ट्रेनिंग भी मिलनी शुरू हो जाएगी, मुझे नहीं पता था। अब देखो देश में सबसे बड़ा सपना किस चीज का है? आर्मी का। हम सबने कभी ना कभी सोचा था कि देश को सर्व करेंगे, तो अगर इसी सपने को बिजनेस बना लिया जाए वो भी ऑनलाइन, तो भैया अडानी भी प्रॉफिट में दूसरे नंबर पे ही रहेगा। वैसे ही कुछ है हमारी है यूट्यूब ट्रेनिंग अकेडमीज, और ऐसी एक दो नहीं बल्कि 30-40 अकेडमीज है। अब यहाँ से सिलेक्शन कितने होते हैं वो तो मुझे पता नहीं, पर वीडियो शूट यहाँ पे रोज 18 घंटे होते हैं। ये मुझे ये तो नहीं पता कि आर्मी के कौन से राउंड की तैयारी चल रही है, पर सर हाथ में ओपन इंजेक्शन लेके बच्चों को ग्राउंड पे आने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। बच्चे भले ही कहीं सेलेक्ट हो जाएं, पर सर तो कभी किसी आर्मी एकेडमी के पीछे से भी नहीं निकले, ये तो समझ आ रहा है सर की अकल से। खुला इंजेक्शन लेके बच्चे के साथ मस्ती चल रही है, चाहे उसकी निडल कहीं उसके घुस जाए, उसकी आंख में लग जाए, नाक में लग जाए, टूट जाए, ओपन निडल से 100 बीमारियां फैल जाए, लेकिन वायरल वीडियो बनानी जरूरी है यार, बच्चे का दर्द जरूरी नहीं है। तबियत क्या हो रहा है तबियत को? आइए दोस्तों एक और सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्मी ट्रेनर की वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे सरेआम विद्यार्थियों को बेइज्जत किया जाता है। किसका ये नंबर? वो एक और कहाँ है? मैं ऐसी वीडियोस ट्रेनिंग के लिए कम और क्रिंज एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा देखता हूँ। इन्हें देख के मुझे जीवन में एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि मुझे क्या नहीं करना, ये मेरी एक क्रिंज ईगो को सेटिस्फाई करती है। आ जाओ बेटा आ जाओ। अरे बताओ इसे, सांस नहीं निकल रही है इसकी, तो अब आ जाओ, मेरे को तेरा पूरा विश्वास था कि सर मुझे इस बात में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ट्रेन कैसे करते हो, आपका सिलेक्शन रेशो क्या चल रहा है, पर मुझे प्लीज ये बता दो इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है, क्योंकि क्लाइमेक्स की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, बस वो थोड़ा स्केल नहीं मिल पा रहा उसको। इसे लगना बोलता है परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव को पहचानता है, 17 गोलियां लगी थी दुश्मन की, कितनी फिर भी लड़ते रहते हैं। देखो पहले तो सर आप खुद नाम में फंबल मार गए, आपको भी नाम याद नहीं था, पर चलो आप कुछ शौर्य वीरों का नाम लेके बच्चों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सर ये भी तो देख लो किस जगह क्या बोलना चाहिए हैं। अब कैसे कोई मारुति 800 के ड्राइवर को सनरूफ खोलना सिखा देगा? सो फर्स्ट स्टेंज से हम ऐसे जाएंगे, 1 2 3 भंगड़ा, 1 2 3 भंगड़ा, बहन की शादी में आग लगा देनी, मेरी नाक नहीं कटानी, ठीक है? बेटे रतन टाटा के बारे में सुना तुमने? पूरे देश का भार उठा रखा उसने। मोदी जी के बारे में सुना? पूरी पार्टी का भार उठा रखा। राहुल गांधी के बारे में सुना तुमने? पूरी पार्टी के ऊपर खुद भार है वो। अपना भार स्वयं उठाना सीखो, अपने काम खुद करो, ठीक है? जाओ। ये देखो ये भाई ब्रेकफास्ट सुबह का, ठीक है, चना और मूंग साथ में केला, ये गिलास दूध का इधर, और दूध का मतलब दूध है। आए सर अभी तक भी खाने की क्वालिटी पे ही पड़े हैं, खाने की क्वालिटी रोज चेक कराते हैं सर। वो मैंने मान लिया कि ट्रेनिंग और पढ़ाई दूसरी एकेडमी में अच्छी हो रही होगी, पर खाना सिर्फ सर की एकेडमी में अच्छा है, इसीलिए अपने अपने विवाह हेतु सब सर की एकेडमी को ही बुक करेंगे। सर हलवाई का रेट ठीक ठीक लगा लो हमारे सब्सक्राइबर के लिए। आज भाई देखो आज बना पूरी मटर पनीर। सर आपका बचपन का सपना मुझे आर्मी में जाने का तो नहीं, पर फूड ब्लॉगर बनने का लग रहा है। आप ऐसा करो सड़क किनारे एक ठेला डाल दो अपना मटर पनीर कुलचे का, सुबह मैस में बनाओ मटर पनीर और रसगुल्ले, फिर आधी रात गर्ल्स हॉस्टल में बल्ले बल्ले। वैसे फिटनेस और खाने की बात हो ही रही है तो माई फिटनेस पीनट बटर को कैसे भूल सकते हैं, माई फिटनेस चॉकलेट स्मूथ पीनट बटर।
वैसे इसमें क्रिस्पी और क्रंची फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं। और इसका मिस्टर ओलंपिया लिमिटेड एडिशन विद एडिड वे जिम एंथुसियास्ट के लिए, मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है अपने पास, वो भी टेस्ट के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये USFDA और ISO सर्टिफाइड है और इसके ब्रांड एम्बेसडर खुद हार्दिक भाई है। सो अगर तुम्हें टेस्ट और फिटनेस दोनों चाहिए, गो एंड चेक आउट माई फिटनेस पीनट बटर इन योर फेवरेट फ्लेवर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ले लो भाई ये पिंक कलर की। अरे किसी ने मेरे को बोला था कि आप झूठ बोल रहे हो कि वो पिंक कलर की टोपी नहीं छोड़ता। ये साफ साफ बोलता है, इसे बोले हमारे को जूते मार लो। अच्छी लग रही है? अब भाई कमेंट आ जाएंगे, अरे मोहब्बत छीनी नहीं जाती भाई, हो जाती है। लेकिन देखो भाई यहाँ पर हम मोहब्बत की कदर करते हैं। प्रधान जी गेहूं का पेमेंट थोड़ा जल्दी हो जाता ना तो बेटे की एकेडमी की फीस चली जाती, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। एक बार उसकी नौकरी लग जाए बस तो ब्याज समेत थारा सारा पैसा वापस कर देंगे। सर थैंक यू मेरी मोहब्बत की कदर करने के लिए, उसने ना इस बार सफेद टोपी भिजवाई है। और सर वो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा स्क्रीन टाइम और बढ़ा देते तो हो जाएगा ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब देखो जितना मुझे पता है यूपी हरियाणा से मेजोरिटी ऑफ यूथ जाता है आर्मी में, और इवन मेरे तो खुद के होम टाउन में दो बार अभी रिसेंटली सीधी भर्ती भी हो चुकी, तो मुझे पता है भाई कैसा फिजिकल होता है, कैसे लोग फिजिकल के लिए ट्रेन करते हैं। मतलब लोग अपने गांव में शहर में सुबह शाम रेस मार के बढ़िया भर्ती निकाल देते हैं, मुझे भी पता है, मेरे साथ वालों ने भी कर रखा है। तो फिर इन आर्मी अकेडमीज का फायदा क्या है? ये कोई आर्मी स्कूल या ऑफिशियल आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स तो है नहीं कि जहां के एटलीस्ट सर्टिफिकेट ही तुम्हारे कोई काम आ जाएंगे, इससे बढ़िया तो बच्चा एनसीसी ज्वाइन कर ले। अब जो लोग ऐसी अकेडमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या वीडियोस देख के वहां जा रहे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई तुम लोग अपने घर पे ज्यादा बढ़िया थे, जहां पे घर का खा पी रहे थे, जहां पे अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे थे, जहां अपने हिसाब से तुम प्रैक्टिस कर पा रहे थे, अपने घर वालों को भी चार काम आ रहे थे, या यहां पे ज्यादा बढ़िया हो जहां पे रोज फोर्सफुली तुम्हें इंक्लूड करके प्रूव किया जाता है कि हां भाई हमारी एकेडमी सबसे बेहतर है? सारा टाइम तो सर का कंटेंट बनवाने में जाता होगा, भर्ती के लिए किस टाइम तैयारी होती है? ये बच्चे कामयाब हो ना हो पर ये अपने सर को जरूर कामयाब करके चले जाएंगे। आर्मी के कोई रिस्पेक्टेड जनरल भी अपने रिटायरमेंट के टाइम कोई अच्छी हैचबैक लेने की सोचते होंगे, पर सर को देखो लेटेस्ट दो दो SUV लेके घूम रहे हैं। हाँ पर डेडिकेशन तो लगती है यार कंटेंट बनाने में और बच्चों का। इन अकेडमीज में बच्चे कैडेट्स बने ना बने पर अच्छे एक्टर जरूर बन जाएंगे। अरे सर के बच्चों को तो खुद गदर 2 में रोल करने के लिए ऑफर भी आया है भीड़ का। जल्दी बता दे भाग गए सारे, मैं अकेला ही बचाऊं, इसको लेके जाओ उधर। सर ये काम तो वैसे सन्नी देओल का था गदर 2 में भी, आपको तो सिर्फ सपोर्टिंग एक्ट्रेस प्रोवाइड करके वापस एकेडमी जाना था, पर सर के अंदर का एक्टर रुक नहीं पाया, एक आधी रील तो इन्होंने भी चेप दी। सर एकेडमी का नाम आर्मी एकेडमी से हटा के एक्टिंग एकेडमी रख दो ना। अरे देखो इसकी एक चीज बता दो, इधर इधर बना रहे भाई देखो पूरा का पूरा हाथ काट रखा है भाई। अब तो कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन पक्का करवा लियो क्योंकि इस वीडियो के बाद घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए होंगे। वैसे गुरुजी अपनी स्टूडेंट्स की लाइफ के पहले ऐसे गुरु होते होंगे जिनकी मार से ज्यादा उनके कैमरे से बच्चे डरते होंगे। सो जा भाई सो जा वरना सर कैमरा लेके आ जाएंगे, फिर 2 घंटे कॉन्टेंट करवाना पड़ेगा उनका। जय हिंद साथियों। जय हिंद। तो साथियों आज हमारे पास यूपी वेस्ट से 2 लड़के आए हैं, तो बेटे तुम दोनों में से आर्मी में किसे जाना है? सर मैं। तो बेटे तू तो घर जा तैयारी कर, बढ़िया रेस वेस लगा, सुबह शाम खा पी हो जाएगा सिलेक्शन, जा तू आ भाई तू मेरे साथ एकेडमी चल, ठीक है? दोनों भाई मिलके बढ़िया वीडियोस बनाएंगे, दोनों वायरल होंगे, बड़े चेहरे बनेंगे यूट्यूब के, ठीक है? खाने का रिव्यू देना, रात को गर्ल्स हॉस्टल में छप्पा मारना, समझ में आ गई? चल एकेडमी। अरे भाई तुम? हाँ भाई मैं, पर तुम तो वो हो ना जिसको सर 12 साल पहले सड़क से उठा कर ले गए थे। हाँ वही हूँ, आप बताओ क्या चल रहा है? बस यार 12 साल देश की सेवा कर ली, अब तो रिटायरमेंट का समय आ गया। तुम्हारी पोस्टिंग किधर है? हमारी तो वीडियोस पोस्ट होती है ना यूट्यूब पे, सर की कोई सी वायरल वीडियो उठा लो, थंबनेल उठा लो, शॉर्ट्स उठा लो, उसमें क्या दिखेगा आपको? ये चेहरा। गदर 2 देखी है? हाँ हाँ। कौन है उसमें? सनी देओल। अरे 58 मिनट 12 सेकंड पे कौन है? वहाँ भी सनी देओल है। अरे सनी देओल के अगर कंधे के नीचे से जूम करके देखोगे ना बंदूक लिए कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? ये चेहरा। बड़े भाई कुछ मिला है ना मिला, फेम पूरा मिला है। सर आपके एफर्ट्स को सलाम है सर, नहीं बच्चों को सपोर्ट करने वाले नहीं बल्कि कैमरा खोलने वाले। अगर ऐसा ऑन द स्पॉट कैमरा खोलने का डेडिकेशन मेरे अंदर आ जाए ना, मैं बता रहा हूँ मेरे चैनल में बूस्ट लग जाएगा। मैं चाहता हूँ सर आपसे, मैं ये वाली कला सीखना चाहता हूँ आपसे। अक्सर जब भी बच्चे बेहोश हो जाते हैं तो सर पानी से पहले कैमरा उठा लाते हैं, क्योंकि एक तो बेहोशी ऊपर से लड़की, एक परफेक्ट थंबनेल को इससे ज्यादा क्या चाहिए। सुबह इधर ग्राउंड पे बच्चे बेहोश होते हैं, रात को वहाँ सर के घर पे एडसेंस के थ्रू पनीर बनता है। देखिए हॉस्टल के बच्चे रात को 11 बजे क्या कर रहे थे, चली डंडों से मार। इस
एकेडमी में मत आना, वायरल वीडियो जरूर देखें। गर्ल्स हॉस्टल में ये सब कुछ नहीं चलेगा। हॉस्टल से 50 लड़के फरार, अचानक गर्ल्स हॉस्टल में क्यों जाना पड़ा? देखो इतनी गिरी हुई हरकत, बाथरूम की दीवारों में घुसकर सोते पकड़े गए। गर्ल्स हॉस्टल में छापा, जब पड़े डंडे गर्ल्स को तो निकली चीख। छापा मारने से मच रहा हड़कंप। इन लोगों ने आर्मी एकेडमी क्यों खोल रखी है? एक सनसनीखेज न्यूज चैनल खोल ले, वो इससे भी बढ़िया चल जाएगा। और इनके टाइटल थंबनेल देख के मुझे पक्का यकीन हो गया, यूसी ब्राउजर के जो नोटिफिकेशन आते थे ना, उसके मैनेजमेंट को यही लीड करते थे। रूम से रहने वालों पर मारा छापा। हॉस्टल तो हॉस्टल सर, तो आसपास रूम में रहने वाले बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे भाई। सबसे कॉन्टेंट निकलेगा, बराबर निकलेगा, नो पार्शियलिटी। बेटा जितना लेट गेट खोलेगा उतना पिटेगा तू, मैं बता रहा हूँ। ये फोन पे अगर घंटी नहीं गई तो मैं पिटूंगा तेरे को। अगर पिताजी नहीं हुए ना, माताजी हुई तो पहले तो पिटूंगा मैं तेरे को। सर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आप नहीं पीटोगे? जब पीटना ही है तो वीडियो के शुरू में ही पीट दिया करो, इतनी लंबी स्क्रिप्ट करवानी क्यों है? हाँ मान लिया आर्मी में जाने के लिए बच्चों को टफ होना जरूरी है, पर जिस हिसाब से इनको डंडे पड़ रहे हैं ना, ये आर्मी कैंप में नहीं मुझे हॉस्पिटल में नजर आ रहे हैं। देखो अचानक पूजा मैम जब बॉयज एकेडमी में गए प्रूफ के लिए वायरल वीडियो। ओ भाई पूजा मैम बॉयज हॉस्टल में, ये मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? मुझे तो ये वीडियो देखनी पड़ेगी। आखिर क्या हुआ होगा इस वीडियो में, एक लड़की बॉयज हॉस्टल में? ये कोई क्लिकबेट थंबनेल नहीं है, इस थंबनेल ने तो मुझे खींच के अपनी तरफ बुलाया है। ऐसा कॉमन हॉस्टल तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। मतलब प्राइवेसी क्या होती है, हमें तो सैर सपाटा हैपनिंग माहौल दिखाना है वीडियो के लिए। सर कोर्स ट्रेनिंग कोई से भी चलेगी, बस मुझे हॉस्टल ये दिलवा दो, मैं एडमिशन ले लूंगा। इन बच्चों का सिलेक्शन हो या ना हो, पर जीवन के सबसे अच्छे दिन, सबसे हसीन पल तो इस हॉस्टल में बिता के जाएंगे ही, क्योंकि इन्होंने कभी अपने गली मोहल्ले में कॉमन माहौल नहीं देखा। यहाँ पे तो कॉमन हॉस्टल देखने को मिल रहा है, जहाँ पूजा मैम सुबह सुबह लड़कों को जगाने आती है, वो भी वीडियो कैमरा ऑन करके। इनके घर वालों को तो इनसे फोन करके हालचाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, डेली लाइव 58 मिनट की वीडियो तो डलती है। आज मेरे बेटे ने क्या कच्छा पहना, क्या बनियान पहना, आज ग्राउंड गया है नहीं, आज मंजन किया है नहीं किया, आज टॉयलेट में सोया है रूम में सोया, सब उनको इन्हीं वीडियो से पता चल जाता होगा। एक ऐसी एकेडमी में एडमिशन तो यार हम भी डिजर्व करते हैं। गाइज आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। देखो ठीक है, पर्सनल किसी से कुछ हेट वेट नहीं है, इसलिए मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान की वीडियो भी यूज नहीं की। हमारा मोटिव क्या है वो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, और मैं किसी को ये नहीं कह रहा भाई एडमिशन मत लो या कुछ भी, ठीक है? वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, मैंने एंटरटेनमेंट के लिए जो मेरा रिएक्शन था, जो मेरा ओपिनियन था, वो मैंने शेयर कर दिया। किसी को गाली गलौज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यार। देश प्रेम और झंडा और भारत माता की जय ये सब यूज होता है इन वीडियोज में, तो किसी को कुछ गलत वलत मत बोलना। मेरे को इंस्टाग्राम पे @lakshya तुम फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो, और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स इफ यू वांट आप देखना। थाईलैंड व्लॉग्स आए हैं भाई, तो मजा आ जाएगा तुम्हें देखने में भी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।